जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी की जो जीडी की नई भर्ती आ रही है उसके बारे में। आईआरबी क्या है पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे, और इसमें जो आपकी वर्दी होती है वो मिलती है या नहीं मिलती है, और इसमें जो है किस प्रकार की पोस्टें होती हैं। हालांकि जीडी लिखा हुआ है लेकिन जीडी के अंदर भी कौन कौन सी पोस्टें आपकी आती हैं सारी कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट हैं तो आप यहां से वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। दोस्तों, पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे ए टू जेड, चाहे वो आपकी एज लिमिट हो या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपकी नोटिफिकेशन अप्लीकेशन डेट अप्लाई डेट, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, जो है डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी नए आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको जितनी भी भर्ती होती है इन सभी की अपडेट आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आसानी से जाकर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी भर्ती आपके मोबाइल तक पहुँचा दी जाती है। सिंपली करना क्या है भाई, इस भर्ती की पूरी जानकारी आप खुद भी ले सकते हो। सिंपली आपको आना है, गूगल में सर्च कर लेना है, अपने ही चैनल का नाम सर्च कर लेना है भाई। सर्च कर लोगे, सर्च करते ही आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी जिस पे आपकी भर्ती अपडेट हुई है। तो इस पे आपको क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली भाई आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको दिख रहा है लेटेस्ट जॉब, इस लेटेस्ट जॉब पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट बोथ जो है आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद दोस्तों सिंपली करना क्या है, सिंपली आपके सामने यहाँ पे आपको दिख जाएगी, देखिएगा ये जो थर्ड नंबर जो आपकी जॉब दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको आ जाना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? तो बिल्कुल दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब है और एक मस्त जॉब है। मस्त जॉब मतलब आपकी एसएससी जीडी के लेवल की दोस्तों आपकी ये जॉब है यहाँ पे, और एक अच्छी जॉब मानी जाती है। काफ़ी समय से यहाँ पर आपके जो है कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो ये वैकेंसी है वो जीडी कांस्टेबल का आपका रिक्रूटमेंट रहेगा, जिसमें आपके कांस्टेबल होगा जिसे हम सिपाही भी बोलते हैं। ये जो वैकेंसी है वो आ रही है दोस्तों 17,000 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आ रहा है। हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, सारी डिटेल। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, हम कुछ ओवरव्यू में आ जाते हैं। ओवरव्यू में कुछ चीज़ें, पहली चीज़ जो अंडर में आता है दोस्तों, ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और ये आपके पूरे भारत में भर की जो है जॉब है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी यहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन, ये इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म है आपका आईआरबी, और ये आपका दोस्तों इंडियन रिजर्व बटालियन, ये आपकी रिक्रूटमेंट करवाता है। इसमें क्या क्या होगी, कांस्टेबल, हवलदार या सिपाही, ये जो है आपके पद होंगे। उसके बाद यहाँ पे 17,000 दोस्तों ये अप्रोक्स वैकेंसी बताई जा रही हैं, ज़्यादा भी इसमें वैकेंसी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों जो आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं इनका तो 100 रुपये लगेगा, और जो आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनका आपका 0 रुपये ही चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद आती है आपकी एज, क्योंकि एज के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो एज के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो आपकी एज रहेगी दोस्तों वो आपका 25 ईयर्स ही रहने वाला है, जो कि जनरल के लिए एक अच्छा एज माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, ये जनरल के लिए। अब बात करेंगे सर ओबीसी का क्या होगा, तो ओबीसी का भी नोट कर लीजिएगा, एज रहेगा दोस्तों आपका 28 साल मैक्सिमम, और मिनिमम आपका दोस्तों पता ही है 18 साल। उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो आपका टोटल 30 इयर्स हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी इनका 10 साल ऐड कर लीजिएगा तो आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हालांकि लिखा भी गया है जीडी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट रहेगा 17,000 पदों के, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों जो है आपका, यहाँ पे आप कहोगे सर ये रिक्रूटमेंट, लेकिन ये वैकेंसी तो होती है आपकी स्टेट वाइज, यहाँ पे जो है डिफाइन होती है। तो आपकी जो ये वैकेंसी है जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपकी टोटल 5,000 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। कितनी वैकेंसी रहेगी,
5000 वैकेंसी, ये स्टेट में बटी हुई वैकेंसी है, स्टेट में ही यहाँ पे इनकी एंट्री आएगी ऑल इंडिया की कैंडिडेट, लेकिन आपकी जब ज्वाइनिंग या पोस्टिंग होगी तो इधर होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में आपकी 5 वैकेंसी, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी 4000 वैकेंसी है, उसके बाद झारखंड की बात करते हैं 3000 वैकेंसी है, ओडिशा 3000 वैकेंसी है, महाराष्ट्र 2000 वैकेंसी है, लगभग दोस्तों अप्रोक्स वैकेंसी जो है वो 17000 का डाटा आपके निकल के आ रहा है। अब आती है कि सर हमें जो है, क्योंकि ये सब कुछ वैकेंसी जब देख लेते हैं तो एक जो है वही कि मुझे भी अप्लाई करना है। इसके लिए आपको बता दें तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल आप किसी प्रकार का ना डिग्री की ज़रूरत है ना डिप्लोमे की आवश्यकता है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी राज्य से, यानी पूरे भारत में आप कहाँ से भी आते हो, भारत के निवासी होने चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों आपका यहाँ पे अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, या PET होगा या PST होगा या फिर दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन, चांस ये भी हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट हो। हालांकि आपका जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें भी दी गई है, आपकी जो हाइट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे बच्चे, तो GD कॉन्स्टेबल का जो आपका हाइट रहेगा वो 170 सेंटीमीटर रहेगा ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल का रहेगा 157 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट किए गए हैं तो उनको भी आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रनिंग के रिगार्डिंग दी गई है, हालांकि नीचे भी दिया गया है, तो 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा दोस्तों, तो वो आपका टोटल 24 मिनट में, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा वो 8.5 मिनट लगेगा, वो होगा आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद PMT की भी बात करें तो आपका जो है दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर, ये आप मैं ऑलरेडी बता चुके हैं लेकिन चेस्ट के बारे में बात नहीं की थी, तो ये आपका 80 से 85 सेंटीमीटर लगने वाला है ओनली मेल के लिए, ये तो आपको बोलना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस अभी आप तैयार करना स्टार्ट कर दो क्योंकि दोस्तों भर्ती तो आ रही है, मैथ्स GK रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये आपका सिलेबस है, पूरा हूबहू सिलेबस है, 25-25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चंस होंगे। सैलरी की बात करूं तो दोस्तों सैलरी का जो है एक मतलब हर एक बच्चे को सैलरी का पड़ा रहता है, तो सैलरी भी एक अच्छा सा खासा अमाउंट है आपको जो है दिया जाता है दोस्तों, 21,700 से लेकर आपका जो है 69,000 तक आपका सैलरी रहता है। अब बात आती है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके रिगार्डिंग, तो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो आपका जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगा वो है दोस्तों डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो ये लगभग दोस्तों आपका यहाँ पे टेंटेटिव है अगस्त 2023 में जो है आपका पब्लिश किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो आपका अगस्त 2023 में ही होगा और ये आपका जो है विदिन दोस्तों 30 डेज के अंदर आपके एप्लीकेशन को जो है क्लोज कर दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लास्ट डेट एप्लीकेशन सारी डिटेल यहाँ पे दी गई जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन कैसे भरना है वो भी डिटेल दी गई है, नोटिफिकेशन अप्लाई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो दोस्तों ये IRB के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी थी, आपको जो है सब कुछ बता दिया है 1 to Z जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो के साथ, जय हिंद।